देखिए सबसे पहले ये चौकी है, इस तरीके से ये बनकर के तैयार। ये मटकी कितनी प्यारी लग रही है, नगीनी नहीं की हुई वही मटकी है सिंपल तरीके से। और इसमें ये मैंने इस्तेमाल है जो कि मैं इसको किचन में ही लगाने वाली हूँ। लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के साथ में मैं शेयर करूंगी किचन के कुछ पुराने बर्तन हैं जो यूज़ में नहीं आते हैं, उनके कुछ DIY शेयर करूंगी जिसको हम किचन में ही यूज़ करेंगे डेकोरेट करने के लिए। तो ये है मेरे पास में एक जो है ना आइसक्रीम की है ना एक मटकी टाइप की है सेरेमिक की, बहुत प्यारी लगती है। तो ये मैंने ना संभाल के रखी थी, गर्मी में लेकर के आई थी तो तब का ये मेरे पास में रखा हुआ, तो इसका हम कुछ बनाएंगे। और साथ में है एक ये डिब्बा, तो इसमें आई थी चॉकलेट, तो चॉकलेट तो खा ली है लेकिन ये डिब्बा बचा हुआ है तो इसको भी हम कुछ डेकोरेट करेंगे। और कहाँ मैं रखूँगी वो मैं आप लोगों के साथ में बताऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी फिर। और साथ में ये एक चौकी है जो कि पहले भी मैंने इस पर DIY करी थी लेकिन वो ख़राब हो गया, कांच लगाई थी तो वो गिर के फूट गया, तो अब जो है इसको थोड़ा सा हम नया लुक देंगे। और साथ में है कि ये दूसरा तवा जो कि कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है इसकी, तो पूरी तरीके से ख़राब हो गया है तो इसको हम कुछ ना कुछ बनाएंगे और इसको किचन में ही यूज़ करेंगे। और क्या बनाऊंगी अभी मुझे भी नहीं पता, जब मैं बनाने बैठती हूँ ना तभी मेरे दिमाग में आता है कि इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बस अभी जो है मैं आप लोग को दिखा दी हूँ और कैसे बनाएंगे मैं अभी आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस तवे की काया पलट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी गंदा हो रखा है और बीच का हिस्सा जो है ना इसका ख़राब हो गया था, इस वजह से जो है इसमें जो है डोसा वगैरह बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पा रहा था। मेरे पास में ऑलरेडी 2-3 तवे हैं तो ये तो बिल्कुल ही जो है डिस्कार्ड कर दी थी मैंने किचन से, अभी जस्ट किचन की क्लीनिंग करी थी उसमें से ये निकला हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले ना वाइट एक्रेलिक में पेंट कलर कर रही हूँ और सब में कर दूँगी, जो ये चौकी है और साथ में तवा था और जो मटकी है, तो सबको जो है ना वाइट एक्रेलिक पेंट पहले मैं कर दूंगी ताकि जब हम दूसरा कलर यूज़ करें तो उसका कलर काफ़ी अच्छे से निखर करके आएगा। तो और ये सब जो है ना वाइट कलर कर दू के रख दूंगी तो सब अच्छे से सूख जाएंगे। तो इसको अब जो है ना ये देखिए इसका जो है वाइट कलर अच्छे से सूख गया, तो यहाँ पर मैं रेड कलर कर रही हूँ और ये इसको भी जो है ना मैं किचन में ही यूज़ करने वाली हूँ तवा का, तो इस वजह से जो है किचन के अकॉर्डिंग मैं इसको बनाऊँगी। तो यहाँ पर और थोड़ा सा भी मैं मेकओवर करने वाली हूँ किचन का, तो इस वजह से जो है इसको मैं बना रही हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें अभी मेरे पास रखी हुई है लेकिन बस वही है कि समय नहीं मिल पा रहा है बराबर। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर कर दी हूँ और साथ में जो है ये मेरे पास में ना लेस रखी थी इतनी ही बची हुई है, तो इसका मैं यहाँ पर यूज़ कर ले रही हूँ। ये इसको चिपकाने के लिए मैं फेवी बॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो है ना फटाफट से चिपक जाता है। आप चाहे तो फेविकोल का यूज़ कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेता है सूखने में, इस वजह से जो है मैं फटाफट बना रही हूँ और रात के टाइम बनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने जल्दी हो सके मेरा DIY जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो दिन में समय नहीं मिल पाता है इसलिए जो है ना मैं रात के करीब 9, 9:30, 10 बजे अपने DIY बनाने बैठती हूँ और बीच बीच में ऐसा होता है कि उठ उठ के जाना पड़ता है काम करने के लिए क्योंकि किचन जो है किचन में से ही छुट्टी मेरी रात के 11, 11:15 बज जाता है किचन में, तो फिर बीच बीच में जो है ना मैं जो DIY है उनको छोड़ छोड़ के जाते रहती हूँ और बीच में अपने काम करते रहती हूँ। और रेड कलर अच्छे से सूख गया था ना, तो यहाँ पर जो है मैं लिख रही हूँ माई किचन माई रूल, और बहुत ही इजी तरीके से जो है ना कोट हम लिखेंगे क्योंकि और भी है अगर आप चाहे तो लिख सकते हो, बट हाँ मुझे जितना इजी हो सकता है उतना मैं काम करती हूँ क्योंकि रात का टाइम होता है ना तो थोड़ा सा मुझे भी थकान होने लगती है क्योंकि दिन भर वैसे ही घर के काम वगैरह और फिर जो है स्टडी वगैरह बेटी की, तो वो सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर ये तो मेरा फेवरेट काम है, मुझसे जितने बजे भी करवा लो मैं कर लेती हूँ, लेकिन वही है कि एक टाइम के बाद ना थक जाते हैं, तो इस वजह से जो है जितना हो सकता है मैं ना उतना इजी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने लिख दी हूँ और अब जो है ना ये साइड वाला हिस्सा खाली खाली लग रहा था तो यहाँ पर हम जिग जिग वाली डिज़ाइन बना देंगे और इसमें मैंने देखिए इस तरीके से जो है वाइट पेंट को कर दी हूँ और बीच में भी ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो बस ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से हार्ट बना दी हूँ और देखिए ये जो है बन करके हो जाएगा तैयार।
और अब ये है ना, एक जो है चॉकलेट का ये डिब्बा था, ये गोवा से आया हुआ था, मेरे देवर गए हुए थे तो वहाँ से लेकर के आए थे ना, तो तब से मैंने संभाल के रखी थी कि मैं इसका कुछ बनाऊंगी, और फाइनली अब जा करके मैं बना रही हूँ। ये जनवरी फरवरी की बात है और ये अब जा करके यूज़ में आ रहा है। तो यहाँ पर बस मेरे पास में पिंक कलर था और बहुत ही प्यारा लगता है ये कलर, और इसको जो है ना बस मैंने ढक्कन में कर दी हूँ, और ये जो साइड वाला हिस्सा है ना उसमें कर दूंगी। तो इसमें ना आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे आप ना जो है क्लिप वगैरह है अपने ड्रेसिंग टेबल में आप इसको रख सकते हो, और जहाँ पर भी आपको रखना है किचन में कुछ ज़रूरत हो तो उसका सामान आप रख सकते हो। तो बस इस तरीके से जो है इसको मैं बना लूँगी, और मैं अब इसको अपनी ड्रेसिंग में यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा ब्रश जो है ना धुलते टाइम टूट गया था, तो बस इसको जो है ना इसका सामने वाला हिस्सा है उसका यूज़ करके मैं यहाँ पर पेंट कर दे रही हूँ। पेंट वगैरह ना उतने अच्छे से बनता नहीं है मुझे, जब बनाने बैठती हूँ ना तो तब नहीं बनता, बाकी टाइम में डिज़ाइन जो है वो दिमाग में आते रहती है। तो जो भी समझ में आ रहा था बस मैं यहाँ फटाफट बना रही हूँ, तो जो भी ये लीव्स वगैरह है या बेला वगैरह जो है ना वो मैं बना दे रही हूँ, सिंपल सिंपल सी इजी डिज़ाइन। और इसको मैंने ब्लू कलर से बना दी हूँ, और ये देखिए इस तरीके से जो है अभी अच्छा लग रहा है। और साइड का हिस्सा खाली लग रहा था तो यहाँ पर मैंने ना इस तरीके से डॉट बना दी हूँ, जो मंडाला टूल्स आते हैं ना उसकी हेल्प से जो है यहाँ पर मैं डॉट बना दे रही हूँ। अभी मुझे मंडाला आर्ट भी सीखना है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो है कंटेनर, इसमें जो है यहाँ पर मैं लेस लगा दे रही हूँ, क्योंकि खाली लग रहा था और पेंट मुझे करना सही नहीं लग रहा था, इस वजह से जो है यहाँ पर मैं ये लेस रखी हुई थी तो इसका मैं यूज़ कर ले रही हूँ। और देखिए ये जो है ना इस तरीके से इतना ही में ही बहुत सुंदर लगने लगा। अब ये जो इसका ये जो है ना इसका इसमें भी सोच रही थी कि मैं लेस लगा दूँ, बट फिर वो खोलने बंद करने में दिक्कत जाती, तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये मेरे पास में ना बीट्स रखे हुए थे, मतलब ये स्टिक वाले हैं, तो बस इसको इस तरीके से निकाल करके चिपका लेंगे। और ये देखिए हमारा जो है एक ज्वेलरी बॉक्स कह लो वो बन करके तैयार हो गया है। तो इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, क्लिप्स हो गए या ज्वेलरी वगैरह कुछ भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं थर्ड DIY की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मटकी अच्छे से सूख गई थी, तो यहाँ पर मैं इस पर कर रही हूँ ग्रीन कलर, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है ये। और यहाँ पर जो है ना ब्रश की हेल्प से पहले मैं पेंट कर दूंगी, और ब्रश के जो है ना एजेस नज़र आते हैं किसी किसी चीज़ में, तो उसको जो है ना हम स्मूथ करने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम जो है स्पंज ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो जो बर्तन साफ़ करते हैं ना स्क्रबर, उसमें भी जो है ना स्पंज होता है उसकी हेल्प ले सकते हो। मेरे पास ये टूल्स रखे हुए इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम करेंगे ना तो ये स्मूथ हो जाएगा एकदम बराबर, तो जो है ना फिर इसमें जो है रेसेस नहीं दिखेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो है इसको डेप डेप करना है, और अब जो है अंदर की तरफ भी जो है ना मैं इसको पेंट कर दूंगी। तो ये भी जो है ना आप इसमें मनी प्लांट वगैरह रख सकते हो या ईयरबड वगैरह रख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो उसका आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम सिंपल से डॉट्स बना देंगे, और जो है ये हमारी मटकी जो है वो बन करके हो जाएगी तैयार। और इन सारी चीज़ों को ना मैं अभी डेकोरेट करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इनका यूज़ जो है किचन में करने वाली हूँ, तो इस वजह से जो है अभी मैं किचन मेकओवर लेकर के आने वाली हूँ, तो उस पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। इस वजह से जो है फ़िलहाल मैं अभी आपको सिर्फ पेंट वगैरह करके डेकोरेट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो इंतज़ार कीजिएगा मेरे जो मेकओवर वीडियो है उसका, किचन मेकओवर का। अभी थोड़ा सा समय लग रहा है बिकॉज़ मुझे भी थोड़ा सा काम है, और साथ में जो है मैंने चीज़ें कुछ एक दो ऑर्डर करी है वो आने में थोड़ी सी देरी हो जा रही है, इस वजह से जो है आप इंतज़ार कीजिएगा मेरे DIY जो है मेकओवर वीडियो का, तो जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो देखिए ये मटकी जो है इस तरीके से जो है बन करके तैयार हो गई है, और कलर इसका वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए अब चलते हैं फोर्थ DIY की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये चौकी भी सूख गई है, और इसमें जो है मैं कर रही हूँ यहाँ पर ब्लू कलर, और इसमें भी देखिए अलग ही रेसेस दिख रहे हैं, तो इसमें जो है ना हम स्पंज ब्रश का ही यूज़ करेंगे और इक्वल इसको कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा पेंट कर दी हूँ, और जो है ना डिज़ाइन हमें समझ नहीं आती है ना, तो ये जो स्टेंसिल होता है ना उसका आप यूज़ कर सकते हो, उसमें काफ़ी सारे जो है ना डिज़ाइन आती है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो और बहुत सारी डिज़ाइन आप बना सकते हो। मेरे पास में सिर्फ एक ही है, क्योंकि नहीं काफ़ी महंगे आते हैं, तो मैंने ये एक ही ख़रीदी थी, 135 समथिंग कुछ ऐसे का ये मुझे मिला था अमेज़ोन से, तो ये इनफ है मेरे लिए। मतलब इसमें मैं काफ़ी सारी जो है चीज़ें मैंने बना ली हूँ, और जब ये चौकी अच्छे से सूख गई ना तो यहाँ पर देखिए
है। इस तरीके से हम यहाँ पर पेंट जो है स्पंज ब्रश में लेकर के और इस तरीके से हम इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। तो चलिए अब साइड वाला जो हिस्सा है ना, इसमें भी हम कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं जो जिगजैग वाला पैटर्न है ना, वो यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पेंटिंग वगैरह आती नहीं है, तो जो चीज़ समझ में आती है बस मैं वो बनाती चली जाती हूँ। और जब भी मैं DIY वगैरह करने बैठती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए लाइट गोल हो गई है, मतलब बिजली नहीं है, तो फिर मैंने जो है अंधेरे में ही इसको बना ली। और जो है ये भी बन करके हो जाएगा तैयार, और जल्दी ही मेकओवर वीडियो आने वाला है, तो उसका प्लीज़ इंतज़ार कीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे DIY जो है वो बन करके हो गए हैं तैयार। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये चौकी है, इस तरीके से ये बन करके हुई है तैयार, और ये इतनी सुंदर लग रही है, बहुत ही इजी तरीके से ये बन करके हो गई है तैयार। तो अब जो है सेकंड, ये मटकी कितनी प्यारी लग रही है, लग ही नहीं रही कि ये वही वाली मटकी है। तो इस तरीके से देखिए सिंपल सिंपल सी डिज़ाइन है, हम कुछ भी बना सकते हैं जो हमें आता है। तो देखिए इस तरीके से इसको जो है मैंने पेंट करी, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी ज़रूरत का सामान है, या फिर हम डेकोर के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें मनी प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। एंड ये थर्ड DIY, तो देखिए ये भी बहुत सिंपल तरीके से, और इसमें ये मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बना दी। तो ये थर्ड DIY भी जो है ये कंप्लीट हो गया है। और ये है फोर्थ DIY, जो कि मैं इसको किचन में ही लगाने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ में मेकओवर वीडियो शेयर करने वाली हूँ किचन का। तो एक दो सामान भी ऑर्डर करी हूँ, तो आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वो जब आ जाएगा ना, तो मैं किचन का जो मेकओवर वीडियो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मीशो से मंगाई हूँ ना, तो उसमें आने में बहुत ज़्यादा देर लगती है, करीबन 10 से 12 दिन लग जाता है, तो अभी 2-3 दिन में आ जाएगा। बहुत दिन हो गए मैंने जो है मंगाई हूँ, तो देखते हैं कब तक आता है। तो ये इस तरीके से जो है ना, ये बन करके तैयार हो गया, बहुत ही इजी तरीके से कोई भी बना सकता है। और मेरी डिज़ाइन जो भी मैं बनाती हूँ वो बहुत ही इजी तरीके से बनाती हूँ, तो जो कि कोई भी बना सकता है उसको। तो देखिए मेरे सारे DIY जो है बहुत ही इजी तरीके से है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज की DIY, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।